नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो सपनों के खिलाड़ी में। यहाँ हम बताते हैं ऐसी कहानियाँ जो एक बार सुने जाना तो डिजर्व करती है। पुलिस, ये सब सुनकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? निराशा के साथ कहना पड़ रहा है, 90% लोगों के मन में एक अलग से डर की अनुभूति होती है। लेकिन आज की कहानी से हम शायद आपकी इस अनुभूति को बदल सकें। ये कहानी है साइबर क्राइम डिपार्टमेंट की लेडी कॉन्स्टेबल छबीला खातून के बारे में। इनका सपना था कि यह भारत और उसके लोगों की हेल्प करे। इनका सपना था कि भारत और उनके लोगों के काम आए। इनकी इसी अच्छी सोच के चलते इन्हें पुलिस की नौकरी मिली और देश सेवा का पद लिया। जैसा कि छबीला कहती है, उनका पहले से ही मन था कि वो लोगों की हेल्प करें, तो उन्होंने एक वृद्ध आश्रम खोलने की सोची तथा खोला भी और अभी बहुत सी महिलाओं की मदद कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पुलिस की नौकरी मिली, उसके बाद उन्होंने ये नोटिस करी कि जो भी कंप्लेंट आ रही है उसमें उन महिलाओं की संख्या ज़्यादा है जो वृद्ध और लाचार। बस यही बात थी जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि उनको अब वृद्ध आश्रम खोलना ही है। उनकी इस कोशिश को उन महिलाओं ने तो सराहा ही, जिन्हें इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही उनके साथी अफसरों और बहुत से लोगों ने सराहा, परंतु किसी जाति विशेष के होने के कारण उन लोगों को उनका काम नहीं दिखा, उनको उनकी जाति दिखी। परंतु छबीला ने इसका एक ऐसा जवाब दिया जिसके बाद उन सब लोगों का मुंह बंद हो गया। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं रास्ते में पड़ी रहती है, उन महिलाओं का ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है, वह सिर्फ माँ का स्वरूप है। मेरे हिसाब से यह जवाब उन सबके मुंह पे एक मुंह तोड़ जवाब है। ऐसा नहीं है कि आश्रम खोलने के लिए उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा हो, परंतु जब मन में ठान लिया हो कि मैं इन महिलाओं को उनके परिवार की तरह रास्ते में नहीं छोड़ूंगी, तो इसके आगे कोई भी अड़चन कोई भी मुश्किल उन्हें रोकने में समर्थ नहीं थी। तो उन्होंने इस आश्रम के लिए अपनी गाड़ी बेची और अन्य लोगों से उधार तक लिया, पर उन्होंने अपने आश्रम स्वप्नपुरी एक्सप्रेस की शुरुआत की और आज वो कई महिलाओं को बेहतर जीवन देने का प्रयास कर रही है। जैसा कि आपने सुना, आश्रम का नाम है स्वप्नपुरी एक्सप्रेस। आश्रम का यह नाम रखने के पीछे भी बहुत खूबसूरत वजह है। उनका कहना है कि ट्रेन में जो एक बार चढ़ जाता है उसे कभी खाने पीने की या रहने की तकलीफ नहीं होती। तो ये कहानी थी एक पुलिस कॉन्स्टेबल छबीला खातून की, जिन्होंने बुजुर्ग महिलाओं की मदद तो की ही, साथ में पुलिस के प्रति एक सम्मान की भावना भी जगाई। तो ऐसी कुछ अनकही अनसुनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।